हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर चैप्टर नंबर 23, पोचम पल्ली। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तमपुर। मुक्तमपुर एक गांव है, वहां पे वानी और प्रसाद नाम के दो बच्चे रहते हैं। ठीक है। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड। अब जो उनका घर है, ठीक है, उनके घर पे बंडल ऑफ ब्राइट कलर्ड मतलब बंडल भर के क्या रहते हैं, कलर्ड थ्रेड रहते हैं। थ्रेड मतलब क्या होता है आपका, धागे। ठीक है, कलर्ड धागे रहते हैं उनके घर पे। ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए, डियर मदर एंड फादर एंड एवरी वन ऑल्सो इन द फैमिली आर वेयर्स। अब क्या है, जो उनके फादर हैं और मदर है और जो भी उस गांव में है, वो सारी फैमिलीज क्या करते हैं, कपड़ा बुनने का काम करते हैं। उन्हें क्या बोलते हो आप, वेवर्स। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, द वेयर्स दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। अब जो वो बुनाई करते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर और स्पेशल होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है और स्पेशल भी होती है। नाउ देखिए, मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। अब जो पोचमपल्ली है वो टाउन आपका कहाँ पे है, मंडेल में है। ये कहाँ पे है आपका, मुक्तापुर आपका जो गांव है ये पोचमपल्ली टाउन में है। जो आपका सिटी है वो आपकी टाउन पोचमपल्ली में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट आपकी बता दी है आपको, तेलंगाना। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द टाउन आर वेयर्स। अब जो इस गांव में जो फैमिलीज हैं, वो सब की सब कपड़ा बुनने का काम करती हैं। दैट इज व्हाई द स्पेशल क्लॉथ्स दैट दे वेयर इज कॉल्ड पोचमपल्ली। अब जो सारे जो गांव वाले लोग हैं, वो कपड़ा बुनने का काम करते हैं और वो जो कपड़ा होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, महंगा होता है। देवेज इज कॉल्ड पोचमपल्ली, और इसी वजह से उसका नाम भी रखा गया है पोचमपल्ली, क्योंकि वो बना ही कहाँ पे होता है, मुक्तापुर गांव के पोचमपल्ली टाउन में। ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए, नाउ नेक्स्ट वन इज द विलेज हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये गांव जो है ये इस काम को बहुत सालों से कर रहा है। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वेयर्स विंग्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। और जो उनके पुराने जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी थे, वो भी इस काम को बहुत पहले से कर रहे हैं। तो देखिए, आपका नीचे पेज नंबर होगा आपका 187 पेज नंबर पे आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप्स ये है, सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड है ये, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन सिक्स सेवन, ये जो सारे स्टेप है इनमें आपको दिख रहा होगा। लास्ट में आपको एक साड़ी और ये जो आपके शॉल वगैरह है ये दिख रहे होंगे आपको बने हुए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिलाई का जो बुनाई जो हो रही है, कपड़े का जो धागे का जो बनाई हो रही है वो सब। अब यहाँ पे कपड़े को क्या किया, ये जो धागा है उसे क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है, चरखे पे काटा जा रहा है। इसके बाद इसे धागे में कन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ पे इसका ये डिवाइड हो रहा है पार्ट्स में, और ये अभी जो मार्केट्स में लिया जा रहा है ये। ठीक है। तो आपके ये सब दिखाया गया आपको, ये आप अच्छे से देखोगे एक बार। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप पेज नंबर 188 पे। देखिए, नवानी एंड प्रसाद ऑल्सो हैव देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। जब वो स्कूल से आते हैं तो बानी और जो प्रसाद है वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मतलब हेल्प करते हैं जब स्कूल से आ जाते हैं। द विंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। जो क्या है, वो बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करते हैं इस काम को करने के लिए। एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली बीइंग। और आपने देखा भी होगा, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इस वजह से उन्हें, तो वो इस चीज के लिए उनकी हेल्प किया करते हैं। ठीक है। जो गांव वाले हैं और जो सब लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प किया करते हैं।
फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, अब देखिए क्लॉथ बनने के लिए, थ्रेड से क्लॉथ बनने के लिए क्या क्या काम किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा है फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पंचमपुली टाउन्स, और जो फादर है उनके, जो पापा है उनके, वो मार्केट जाते हैं, पंचमपुली टाउन जाते हैं और वहां से बंडल्स लेके आते हैं, ठीक है। मदर्स देन पुट्स दीज थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। अब जो उनके फादर हैं वो क्या करते हैं, वॉश करते हैं, जो सॉरी जो उनके फादर हैं वो तो लेके आ रहे हैं, अब जो उनकी मदर है वो क्या कर रही हैं, पहले वाटर को बॉईल कर रही हैं, वाटर को बॉईल करने के बाद उसमें जो थ्रेड हैं, जो धागे लेके आए हैं उनके फादर, उनको डुबो दे रही हैं। क्यों? क्योंकि जो डर्ट है, गंदगी है, या जो स्टेन्स दाग धब्बी रह गए हैं उनको अच्छे से वो निकल जाए, ठीक है। देन एवरीबॉडी वर्क टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर। अब सबके सब जो है वो सब क्या करते हैं, फिर डाई करते हैं उन्हें। डाई आपको पता है क्या होती है, कलर करते हैं, ठीक है, थ्रेड विद ब्राइट कलर, जो अच्छे कलर है, रंग बिरंगे जो कलर है उनसे कलर करते हैं, डाई करते हैं। दीज थ्रेड आर देन डाइड एंड रोल्ड इन टू बंडल्स। अब फिर क्या होता है, थ्रेड को जब डाई सुखा लिया जाता है, डाई करने के बाद सुखाया जाता है, तो इन्हें फिर रोल किया जाता है, रोल करने के बाद इनपे बंडल्स में रखा जाता है। These bundles are put onto looms and the cloth is woven. अब जो ऊन देखी होंगी आपने, मार्केट्स में भी आती है, उनमें इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। अब जो सिल्क का है, सिल्क क्लॉथ है, आपने देखा होगा सिल्क साड़ीज, जो सिल्क साड़ी लेडीज पहनती है वो इनसे बनती है, ठीक है, सिल्क थ्रेड से। कॉटन थ्रेड से आपने देखा होगा कॉटन साड़ी बनती है, कॉटन साड़ी भी देखी होंगी लेडीज पहनती है, कॉटन कुर्ताज भी बनते हैं, ठीक है, शीट्स बनती हैं, क्लॉथ्स बनते हैं, ठीक है, ये सब आपके एक्स्ट्रा जो भी है ये सब बन रहे हैं। द लूम्स हैज मैनी नीडल्स, द साइज एंड नंबर्स ऑफ द नीडल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। अब डिजाइन के अकॉर्डिंग जो साइज है नीडल्स का वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका साइज होगा उस अकॉर्डिंग आपका ये नीडल्स भी चेंज होती रहती है। द वियर्स वेज द ब्यूटिफुल पंचमपुली साड़ी इज ब्राइट कलर्ड थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन्स वर्ल्ड फेमस। आप क्या है वो कह रहे हैं कि जो पंचमपुली जो साड़ीज हैं वो ब्राइट कलर के लिए पूरे विश्व में पहचानी जाती है, थ्रू दियर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, और ये मतलब एक बहुत सुंदर मतलब कला है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट मतलब बहुत अच्छी ये क्राफ्ट है मतलब, और इसको पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है, मतलब कि पोचमपुली जो साड़ीज है वो मतलब पूरे विश्व में फेमस भी है, आपको पता ही है ये, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए आप लिख रहे हैं इसके बाद अ क्राफ्ट इन अ डेंजर। अब जो क्राफ्ट है वो बहुत ज्यादा डेंजर में है। अब डेंजर में कैसे, देखिए ग्रेट सिल्क इज नीडेड टू वेज सच स्पेशल साड़ीज। अब वो कह रहे हैं जो इसको मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशल जो साड़ीज हैं इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की। इट ऑल्सो टेक मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर्स, इसके लिए बहुत ज्यादा लेबर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दीज साड़ीज। इस साड़ीज की बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा अमाउंट भी है, ठीक है, बट फिर भी मतलब लेबर कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि लेबर मिलते नहीं है इतने ज्यादा, ठीक है। सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे, और जो सिल्क है वो बहुत ज्यादा मतलब डे बाय डे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, आपको भी पता है। बिग शॉपकीपर गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ी, और जो साड़ी के लिए जो बड़े जो शॉपकीपर है वो बहुत कम अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, खरीदारी के लिए बहुत कम अमाउंट देते हैं। Through they themselves sell them at very high price, और कुछ जो दुकानदार हैं वो जो जो कम दाम में हमसे लेते हैं और वो बहुत ज्यादा ऊंचे दामों में इन्हें अपने आप से बेचा करते हैं। That is why many wares are giving up their फैमिली क्राफ्ट, और ये मतलब कुछ ही लोगों की मतलब फैमिलीज के लिए क्राफ्ट बन के रह गया है, ठीक है।
तो अब मतलब इस काम को मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं अब. मैनी आर लीविंग देयर विलेज टू वर्क एट अ लेबर्स इन अ बिग सिटीज. अब बहुत सारे ऐसे लोग इस काम को छोड़ चुके हैं और अपना गांव भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है. और वो अब जाके कहाँ बस गए हैं, बिग सिटीज में पहुंच गए हैं, ठीक है. वी नीडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई हेल्पिंग दैम गेट अ बेटर प्राइस, अदरवाइज दिस प्रीसियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर. अब वो चाहते हैं कि इसके लिए मतलब उन्हें अच्छा अमाउंट मिले, बेटर प्राइस मिले, जिसकी वजह से ये क्राफ्ट बचा रहे और मतलब जो लोग हैं वो जाए ना इसे छोड़ के, और ये क्या हो, लॉस ना हो ये क्राफ्ट, ठीक है, ये हमेशा ऐसे चलता रहे. तो ये सब आपका ये चैप्टर जो पंचम पुली है, ये आपका चैप्टर ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है. आपको बताया गया कि पोचम पुल्ली जो है वो क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं आपको, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड, यू ऑल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, ओके. नाउ थैंक यू क्लास.